Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं, जो कि कई दफा विधायक रह चुके हैं। उनके बड़े भाई शिबकतुल्लाह अंसारी हैं, जो कि वो भी कई दफा विधायक रह चुके हैं, और उनके बड़े भाई एक और हैं अफजाल अंसारी, जो कई दफा विधायक रह चुके हैं और फिलहाल वो बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के सांसद हैं। इन तीनों भाइयों का जलवा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिख रहा है, लेकिन अब इन लोगों के बेटाओं का भी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर दिखता नजर आ रहा है। इस कड़ी में आपको पता होगा कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी जो हैं वो मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक बने। हालांकि उनको कई सारे मामले में मुकदमा दर्ज हैं और उस मामलों में एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें ईडी ने गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है और फिलहाल वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चित्रकूट जेल में बंद है। लेकिन इन सब में मुख्तार अंसारी से लेकर जो अंसारी परिवार है उनका एक चिराग है जो हमेशा जनता के बीच अपनी पैठ बनाए रखता है और लोगों के बीच जो है हमेशा रूबरू होते नजर आते हैं। बात करें तो मैंने आपको दिखाया था कि जो शिबकतुल्लाह अंसारी हैं उनके बड़े बेटे मन्नू अंसारी, जिन्हें कि शुहेब अंसारी के नाम से जाना जाता है और वो मोहम्मदाबाद सीट से विधानसभा के विधायक हैं, वो मक्का मदीना गए थे तो उनकी तस्वीरें जो है मैंने आपको दिखाया था। लेकिन मक्का मदीना से वापस लौटते हैं वो, अपनी जो सेवा है, जो अपने काम है, उसको ऑनेस्टी के साथ करते नजर आ रहे हैं और आने के साथ ही अपने क्षेत्र में जो है वो लगातार दौरा कर रहे हैं। आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मक्का मदीना से वापस लौटने के बाद जो शुहेब अंसारी हैं वो लोगों के बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने जो क्षेत्र है उसकी जनता की समस्या को बकायदा सुनते नजर आ रहे हैं और वो कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस कड़ी में कल आपको पता होगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास बाबा का जयंती था और उस जयंती के मौके पर भी एक समारोह में वो हिस्सा लिए और वो पूजा पाठ करते नजर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति का पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी कभी किसी भी मामले में लगातार कोर्ट का चक्कर काट रहा है, लेकिन इस कड़ी में उनके घर का एक चिराग है जो लोगों के बीच में अपनी फैट और अपनी पकड़ बना रहा है और शायद यही एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है कि उसके साथ कुछ भी हो जाए वो जिसके लिए वो चुना गया है उसकी सेवा में हमेशा निरंतर लगातार प्रयास करता है। बाकी शुएब अंसारी के इस कार्य से आप कितना खुश हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।